आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी का 2021 बहुत अच्छे से जाए, आप बहुत सक्सेस करें और बहुत आगे बढ़े। मैं हर्षा इस खूबसूरत मनाली की मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद हर्षा। आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे मनाली के अब तक के और खूब इंजॉय किए होंगे। कल रात का वीडियो भी काफ़ी अच्छा इंजॉयबल था, काफ़ी लोग थे यहाँ पे, काफ़ी टूरिस्ट हैं और लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया है 31st नाइट 2020 को, और बहुत अच्छे से हमने अलविदा दिया 2020 को ताकि वो वापस ना आए। राइट गाइज, चलिए आज आपको ले चलती हूँ कुछ लोकल साइट सीन पे। जैसे हम जा रहे हैं अब हिडिम्बा मंदिर, जो आप सभी को पता है एक राक्षसी थी बट उन्हें यहाँ में पहाड़ों में देवी की तरह पूजा जाता है। तो चलिए आपको ले चलती हूँ मैं हिडिम्बा टेम्पल, और उसके बाद की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो मनाली से शिमला के लिए होने वाली है, जो वाया कुल्लू होगी। ठीक है गाइस, तो बने रहिए मेरे चैनल पे और ये वीडियो को अंत तक जरूर कर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा अच्छा लगे तो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हमारा 2021 का टारगेट है हमें एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मेरे लाइव अपडेट देखने के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी मैंने रील्स बनाई है वहाँ पे, तो प्लीज जाके चेक करिए। जब तक ये वीडियो अपलोड होते हैं तब तक आप मुझे इंस्टा पे जो है फॉलो करके सारे जो मेरे क्लिप्स है, जो सारे मेरे लोकेशन है, उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ आगे अपनी जर्नी पे।
तो इतने शॉल मूंगी हुई से ये देखिए, ये है शॉल फैक्ट्री और शॉल्स इतनी मेहनत से बनती है, ये देखिए। एक शॉल बनाने में कितना टाइम लगता है आंटी? 3 दिन डिजाइन के हिसाब से। चारों साथ में चलाने का, तो जितना प्रैक्टिस हो गया उतना वो आपको मालूम पड़ता है, जोरा खत्म हो गया। हाँ जी, इसको सटल बोलते हैं। अब मोटी मिल में आज हो, ये है कुल्लू की शॉल फैक्ट्री। आप देखिए शॉल कुछ इस तरह से बनती है, फाइनल प्रोडक्ट जब हमारे हाथ में आता है तो वो कुछ अलग ही दिखता है, बट उसका मेन काम तो यही होता है। ये देखिए, ये दीदी बना रही है। इधर से ये है इनका सेल्स आउटलेट, देखे
सो गाइज फाइनली वी हैव रीच आवर होटल. 12 घंटे की लॉन्ग जर्नी थी मनाली से शिमला की, बट हम रुकते हुए आए थे. बजे है 10:15, मैं होटल पहुंच चुकी हूँ. आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये होटल का व्यू है. रूम टूर आपको मैं कराती हूँ. तो ये वीडियो में यही क्लोज करती हूँ. अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अभी तो बहुत आगे जाना है. चलिए गुड नाइट, बाय बाय. सो दिस इज़ आवर होटल. ये देखिए, ये हमारे प्रकाश भाई और ये है हमारी रूम. ये देखिए, ये है वॉशरूम्स यहाँ पे. ये देखिए वॉशरूम्स यहाँ पे. कबर्ड्स दिए हुए हैं. दिस वे इट इज कबर्ड ड्रेसिंग. मेरी हालत बहुत बुरी है क्योंकि 12 घंटे की ट्रैवल हो चुकी है. और ये है बेड, राइट. यहाँ पे एक और फायदा है, एक तो ये है व्यू जो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, सुबह दिखाती हूँ आपको. सेकंड, यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटर्स है तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब ठंडी नहीं प्रॉब्लम होगी. ये सुपर डिलक्स रूम है जिसका इस तरह से कुछ शावर दिया हुआ है एंड दिस इज वॉशरूम. और इसका कुछ इस तरह से स्पेसियस होता है. ये बेड है एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम माय रूम. व्यू तो आपको कल सुबह पता चलेगा. दिस इज द रेस्टोरेंट ऑफ दिस होटल, सुख सागर रेजेंसी.